गाइस, अगर आपको कोरियन ग्लो स्किन जो है वो एक वीक में अचीव कर जाओ आप, और एक वीक में आपकी स्किन जो है वो कोरियन जैसी हो जाए, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जस्ट ओनली 250 रुपीज़, यानी कि 250 रुपये में, तो कितनी अच्छी बात होगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ किंजुला, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो अगर आप कोरियन ग्लो स्किन पाना चाहते हो और आप अंदर से इनर ब्राइटनेस या इनर ग्लो चाहते हो, तो वो उसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, वो भी ओनली 250 रुपीज़ में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा जो मैं प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ, डेमो भी देने वाली हूँ। तो चलो हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया वैसे ही, अगर आप ये वाला रूटीन जो है वो शेयर मतलब कि फॉलो करते हो, तो आपको विद इन वीक में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बिकॉज मैंने एक वीक तक इसको यूज़ किया है और मुझे ह्यूज डिफरेंस डे वन में और डे सेवन में देखने को मिला है। और आप लोग बोलोगे कि ये वाली प्रोडक्ट ही क्यों, क्योंकि ये वाली प्रोडक्ट में है माइक्रो एसेंस। एसेंस मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर नहीं बता तो हमारी स्किन जो होती है उसके 10 लेयर्स होते हैं टोटल, एक के बाद एक, एक के बाद एक नीचे नीचे लेयर्स जाते हैं। अगर आप मॉइस्चराइजर रेगुलर बेस पे लगाते हो तो मॉइस्चराइजर क्या करता है, स्किन के एक लेयर तक ही जाता है। उसकी जगह पे आप अगर फेस सीरम यूज़ करते हो तो वो जो है 2 से 3 लेयर तक ही जा पाता है, उसके नीचे नहीं जा पाता। बट माइक्रो एसेंस जो होते हैं वो स्किन के 10 लेयर्स तक पेनिट्रेट होते हैं और अंदर तक जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है वो इनर ग्लो मिलता है और इनर ब्राइटनेस मिलती है नेचुरल वाली। आप लोगों को फेशियल भी नहीं करवाना पड़ेगा, स्पेशली जब वेडिंग्स होते हैं, फेस्टिवल होता है और हम महंगे महंगे फेशियल करवाते हैं 2000 के 3000 के, तो कई बार क्या होता है कि हमें जितना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिलता, या फिर किसी को पिंपल्स वगैरह उसके साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये वाली प्रोडक्ट रेगुलर बेस पर यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर रिजल्ट मिलेगा। इवन फाइन लाइन्स रिंकल्स पे भी वर्क करता है। तो अगर आपको एजिंग की प्रॉब्लम है फिर भी आपको ये वाली प्रोडक्ट जो है वो हेल्प करेगी। जो प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ वो है लोरियल पेरिस क्रिस्टल माइक्रो एसेंस स्मूदनिंग प्लस रेडियंस। और आपको जैसे मैंने बताया कि 250 में ही आपको मिल सकता है, बिकॉज कि ये वाली जो लोरियल पेरिस की ये वाली ब्रांड है, उन्होंने इंडिया में ये प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च की है और इसकी 3 साइज अवेलेबल है। सबसे छोटी साइज है वो 22 ml की आती है और जिसकी प्राइस ओनली 250 है। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इजीली अमेजोन पे अवेलेबल है। अगर मेरी लिंक के थ्रू करोगे तो आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट ही मिलेगी अमेजोन से भी, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। 250 कोई बड़ी मतलब की अमाउंट नहीं है। सेकेंड जो साइज आती है वो 60 ml की आती है और जिसकी प्राइस है 799 रुपीज़। और थर्ड जो है ये मेरे पास है वो इतने साइज की बड़ी वाली बॉटल आती है जिसकी प्राइस ये 130 ml की है और इसकी प्राइस है 1400 रुपये। तो आप 22 ml वाली लेके ट्राई कर सकते हो। और इसकी ये माइक्रो एसेंस है तो 10 लेयर्स तक पेनिट्रेट करता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि हर स्किन टाइप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज कि मेरी स्किन जो है वो सेंसिटिव है, साथ ही में ड्राई भी है, और ये वाली ऑयली और एक्ने पर तो और ज़्यादा वर्क करती है। तो इवन आपकी ऑयली स्किन है या एक्ने है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बॉटल की बात करते हैं तो बॉटल इस तरह की मिलती है, बहुत ही प्रीमियम पैकेजिंग है, बहुत ही क्लासी लुक देता है। ये ग्लास बॉटल है, इसका जो ऊपर का ढक्कन है वो भी बहुत ही कन्वीनियंट है, ईजिली ओपन हो जाता है। और यहाँ पे माइक जो उनका ब्रांड का नेम है और यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है, उसको कैसे यूज़ करना है और वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह लिखा हुआ है। तो इस तरह की है बॉटल, बहुत ही अमेजिंग है, मुझे बॉटल बहुत पसंद है बिकॉज़ की बहुत ही क्लासी लुक दे रही है। और इसका जो टेक्सचर है वो वाटर टाइप का है, जस्ट लाइक वाटर, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, आप देखिए इस तरह की आएगी आप जब ओपन करोगे तब, और आपको जितना चाहिए इतना आप ले सकते हो। और ये है इसका टेक्सचर, वाटर बेस्ड है, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने अप्लाई किया है या हैवी हैवी फील नहीं होता है। अच्छा, इसको यूज़ कैसे करना है वो आप लोगों को बताती हूँ। इसको आपको दिन में 2 बार यूज़ करना है, एक मॉर्निंग टाइम और दूसरा जो है वो नाइट टाइम में। मॉर्निंग में जब आप नहा के बाहर आते हो तब आपको इसको अप्लाई कर देना है, इसके बाद आप सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो। रात को जब सोते टाइम जब आप इसको अप्लाई करते हो तो अपना फेस जो है वो वॉश कर लेना है, उसके बाद इसको अप्लाई कर देना है और फिर सो जाना है।
तो दिन में दो टाइम अगर आप यूज करोगे और रेगुलर बेस पे यूज करोगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर स्किन मिलेगी। जो कोरियन स्किन होती है वो टाइप की ग्लास स्किन मिलेगी और आपकी जो स्किन की सारी प्रॉब्लम्स है वो भी इजीली दूर हो जाएगी। इसको अप्लाई कब करना है वो तो मैंने आपको बता दिया, कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। और एक और बात कि इसको आप विंटर में भी यूज कर सकते हो, समर में भी यूज कर सकते हो। विंटर में जब आप इसको यूज करोगे तो आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज कि ये मॉइस्चराइजर का काम करेगा। और जब आप समर में इसको यूज करते हो तो आपको सीरम या और कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज कि ये सब कुछ एक ही है, तो आपको और कुछ अलग अलग प्रोडक्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये वाटर बेस्ड है जैसे मैंने बताया आपको, वैसे ही तो आपको बिल्कुल भी स्टिकी या ऑयली फील नहीं होगा और फेस पे हैवी हैवी फील नहीं होगा कि जैसे आपने कुछ अप्लाई किया है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसको कैसे लगाना है। और इसको निकालना भी बहुत ही ईजी है, ऐसे करके आपको जितना चाहिए उतना आप ले सकते हो। तो ये मैंने ले लिया है, तो आपको ऐसे ऐसे करके फोरहेड से लेके ऐसे डेप 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 करके चीक से लेके चीन तक ऐसे लगा देना है। इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है जैसे मैंने बताया, वैसे ही 10 लेयर तक पेनिट्रेट करता है। तो इस तरह से ऐसे ऐसे करके आपको डेप 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 करके अप्लाई कर देना है। इवन आप जब मेकअप अप्लाई करते हो तो उसके पहले भी आप इसको लगा सकते हो एज अ प्राइमर भी। तो इसको मल्टी वे में भी यूज कर सकते हो। सारों इसकी जो सारी जो लिंक है, डिटेल्स है, सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी आपको कुछ क्वायरी है तो पूछ सकते हो। आई होप कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।